Welcome to Galamind Stories। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ किस्से बयान करेंगे। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार लगाया जिसमें तमाम दरबारी मौजूद थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो हुदहुद दरबार में मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से उसकी गैर हाज़िरी की वजह पूछी तो सबने लाइल्मी का इजहार किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा कि अगर हुदहुद ने वापस आकर अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। फिर कुछ ही देर में हुदहुद वापस आ गया। उसके वापस आने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे गैर हाज़िरी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं मुल्क सबा यानी शाम से एक ख़बर लाया हूँ। मुल्क सबा यानी शाम पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्कीस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मुजयन तख्त पर बैठती है जो सुर्ख रंग का है। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से मालामाल किया है लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकर हैं। मलका बिल्कीस और उसके रियाया अल्लाह ताला के बजाय सूरज को पूजते हैं। शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाह में अच्छा बना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के नाम एक ख़त तहरीर किया और हुदहुद के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्कीस को ये ख़त पहुँचा आए। इस ख़त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को दीन हक में दाखिल होने की दावत दी थी। हुदहुद वो ख़त मलका बिल्कीस को दे आया। मलका बिल्कीस ने जब वो ख़त पढ़ा तो बदले में अपने कासिदों के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चंद तहाइफ भिजवा दिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहाइफ को रद्द करते हुए कहा कि अगर मलका बिल्कीस ने दीन हक की दावत को कबूल ना किया तो मैं उसके महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कासिद वापस गए और मलका बिल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब बताया और उनकी शान शौकत का नक्शा भी बयान किया। तब मलका बिल्कीस फ़िक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ्द को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्कीस की आमद का जब इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से पूछा कि तुम में से क्या कोई ऐसा शख्स है जो मलका बिल्कीस के तख्त को उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे पास ले आए। तो दरबारियों में से एक जिन बोला कि हुजूर, दरबार का वक्त ख़त्म होने तक मैं मलका बिल्कीस के तख्त को यहाँ ला सकता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये तो बहुत वक्त है, मैं इससे भी पहले यहाँ मलका बिल्कीस के तख्त को देखना चाहता हूँ। लिहाजा तमाम दरबार में खामोशी छा गई। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वज़ीर जिसका नाम आसिफ बिन बरकिया था, ये ज़बूर का थोड़ा बहुत इल्म रखता था और साथ ही अल्लाह का बहुत इबादत गुजार बनता था, ये बोला कि हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं उस तख्त को इससे पहले यहाँ ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कितनी देर में तख्त को यहाँ ला सकते हो? तो वो बोला कि हुजूर, मैं पलक झपकने की देर में उसको यहाँ ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वज़ीर को इजाज़त दी और वो पलक झपकने की देर में मलका बिल्कीस के तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ले आया। फिर जब मलका बिल्कीस महल में पहुँची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका खैर मकदम किया। मलका बिल्कीस तख्त को और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक को देखकर बहुत मुतासिर हुई और आप पर ईमान लाए बगैर ना रह सकी। फिर वो दीन हक में दाखिल हो गई। उसके बाद आपसे इजाज़त लेकर अपने मुल्क वापस चली गई। इसी तरह एक वाक़िया मस्जिद अक्सा की तामीर का भी है। मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी लेकिन ये तामीर मुकम्मल ना हो सकी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल करने का इरादा किया। आप अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिनों को इमारत जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया।
چنانچہ 100,000 کاریگر اس کی تعمیر میں لگ گئے جس میں جنات اور انسان سبھی شامل تھے۔ یہ وہ بابرکت مسجد ہے کہ اس میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھ تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک چھوٹا سا محل بنا دیا جائے جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ لہٰذا آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور اپنی لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا لیا۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی، مگر چونکہ ان کا بہت روب اور دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں مشغول ہی رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر مسجد کی تعمیر کا کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم اس لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ تخت سلیمانی کو اڑا کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا گیا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔